दिल्ली का एम्स। दूर दराज से लोग असरदार और सस्ते इलाज के लिए यहाँ आते हैं। कभी कभी न सिर्फ मरीजों को बल्कि उनके परिवार के सदस्यों को भी घर से दूर लंबे वक्त तक इंतजार करना पड़ता है। बिहार के राजेश उन्हीं लोगों में शुमार हैं। उनके बेटे का यहाँ 6 साल से इलाज चल रहा है, वो वेंटिलेटर पर है। अपने परिवार की रोजी रोटी चलाने के लिए राजेश ने एम्स में ही सुरक्षा गार्ड का काम करना शुरू कर दिया है। बच्चे के इलाज के लिए हम अपना घर द्वार काम धंधा छोड़कर यहाँ पड़े हुए हैं। हमारी पत्नी भी 24 घंटे हमारे बच्चे के साथ में रहती है और अपना रोजी रोटी चलाने के लिए हम एम्स में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा हूँ। प्राची की कहानी भी इससे अलग नहीं है। वो अस्पताल में मरीजों के अटेंडेंट का काम करते हुए अपने बेटे का इलाज करवा रही हैं। मैं 14 साल पहले ओडिशा से दिल्ली आई थी मेरी बच्चे का इलाज करने के लिए। काफ़ी सारे इसको फिर से आ रही थी। जब मैं दिल्ली आई डॉक्टर ने बोले इसका लंबे इलाज चलेगा। फिर मेरी फिर लंबे इलाज के बीच में इसको क्या करना एडमिशन करा दिए। जब एडमिट करा दिए मेरे हस्बैंड इसी बीच में हमको छोड़ के चले गए। जब चले गए मेरी पेट पालने के लिए मैं क्या करूँ, फिर यहीं पर केयर टेकर के काम करने लग गई। फिर अभी भी कर रही हूँ। प्राची और राजेश की तरह कई लोग हैं जिन्होंने सुरक्षा गार्ड, सफाई कर्मचारी या नर्सिंग अटेंडेंट की नौकरी कर ली है। उनके लिए एम्स सिर्फ अपने परिवार के लोगों का इलाज करने वाला संस्थान ही नहीं बल्कि रोजी रोटी का जरिया भी है। कभी कभी ये सिलसिला सालों तक चलता रहता है।